सो राम राम कोडेस, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। वेल, आज का जो क्वेश्चन है ना वो स्ट्रिक्टली बीएसटी की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ऐसे तो क्वेश्चन को इजी टैग किया है पर मेरे हिसाब में ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे से हम इसके इसमें बीएसटी की प्रॉपर्टी को समझेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। और हमारे साथ अगेन हमारे दोस्त है प्रशांत फॉर डिस्कसिंग द क्वेश्चन। राम राम कोडर्स। राइट, तो इस क्वेश्चन का नाम है डिलीट नोड्स ग्रेटर देन के। सो इस क्वेश्चन पे मतलब इस लैंग्वेज पे बस मार मत खा जाना इसका। अगर आप लैंग्वेज पढ़ो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, वी हैव टू डिलीट नोड्स वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, सिर्फ ग्रेटर नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट बिल्कुल वैल्यू। जैसे यहाँ पर हमें बोला है इस एग्जाम्पल में अगर देखें तो डिलीट नोड्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, सो वॉट वील गेट, विल गेट जस्ट वन नोड, सिर्फ एक नोड बिल्कुल आएगा हमारे पास क्योंकि बाकी 4 और 9 दोनों इससे बड़ा है। राइट, और एक मतलब ये बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, इसमें क्लियर नहीं हो पाएगा चीज बहुत अच्छे से, तो एक मैं एग्जाम्पल बना लेता हूँ और उस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। राइट प्रशांत, बिल्कुल शो तो ये कुछ इस टाइप से बना लेते हैं अपन बीएसटी। और इधर 8 6 किस वैल्यू को रखा जाए प्रशांत? के, राइट, सेवन के इज इक्वल टू 7 रख लेते हैं। तो इस बीएसटी में क्या करेंगे प्रशांत? ऑल नोड्स ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 को अपन को डिलीट करने हैं। बिल्कुल राइट, बिल्कुल बिल्कुल। सो शुभ तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे दिख रहा है 8 9 और 10 जो है वो नोड्स जो है वो ग्रेटर देन के 7 है। सो विल डिलीट दैट एंड इन इट्स प्लेस विल प्लेस 6, दैट इज 5 रेड राइट सबट्री विल बी 6। राइट, तो यहाँ पर 5 3 4 1 2 एंड आवर ट्री And शुड लुक five's समथिंग right child is six, right? राइट। तो हमें क्या करना है कि 8 9 10 मतलब 8 को जो पॉइंट कर रहा था 5 का पॉइंटर उसको चेंज कर देना है और उसको किसको पॉइंट करवाना है? 6 को। राइट, Six, बिल्कुल। सो हाउ विल गो ऑन दैट, हाउ शुड बी अप्रोच प्रशांत? शुभ काफी सिंपल है। हम लोग जैसे सर्च का पढ़े थे बाइनरी सर्च ट्री में सर्च कैसे करते हैं, सेम अप्रोच हम लोग यहाँ पे करेंगे। लेट्स से जैसे हम लोग यहाँ पे 7 वैल्यू गिवन है, तो हम लोग सर्च करेंगे कि हमको रूट वैल्यू ग्रेटर देन 7 कब मिल रही है, और वो जब भी मिलेगा उस टाइम पे उस नोड पर हम लोग वो नोड डिलीट करना है, और उसके जो भी राइट सब ट्रीज होंगे सबको डिलीट करना है। बस हमको उनका लेफ्ट सब ट्री नहीं डिलीट करना है, हमको ये ध्यान में रखना है। सो इन दैट केस हम लोग उस नोड के लेफ्ट में जाएंगे और जो भी अपना प्रीवियस उसका जो पेरेंट होगा उससे अटैच कर देंगे। So that's it. उस तरीके से हम लोग को अपना एक ट्री मिल जाएगा। राइट, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे 7 को सर्च करते हुए। तो जैसे कि अगर हम यहाँ बिल्कुल पर रूट पे आएंगे तो हमें सर्च करना था क्या 7, अभी का रूट का वैल्यू क्या है? तो 5। हम लोग यहाँ देखें रूट का जो वैल्यू है वो 7 से छोटा है। राइट, सो हम लोग यहाँ पे कोई डिलीशन परफॉर्म नहीं करना है। सो हम लोग यहाँ पे अपना ट्रैवर्सल आगे करेंगे और हम लोग ये भी देखेंगे कि 7 की वैल्यू क्या मतलब बड़ी है छोटी है। तो हम लोग राइट सब ट्री में गए राइट, अगेन, हम लोग वहां पर देखेंगे कि जो 8 है वो वैल्यू 7 से ग्रेटर है। तो अब हमको 8 से और उसके जितने भी राइट चाइल्ड है सबको डिलीट करना है, राइट? लेकिन 8 का जो भी लेफ्ट होगा मे बी वो 7 से छोटा होगा। सो हम लोग मे बी यहाँ पर भी हम लोग मे बी बोल रहे हैं, हो सकता है 7 भी हो। बिल्कुल 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 मे बी। सो एक ऑब्वियसली हम लोग एक रिकर्सिव कॉल करेंगे वहां पे, तो हम लोग को सब कुछ वहां रिकर्शन में पता चल ही जाएगा। सो इन दिस केस बट स्टिल वी कैन कंसिडर दैट अगर मान लेते यहाँ पर यहाँ पे सेवन अगर भी सेवन होता होता तो तो भी यहाँ पर जो अगेन हम अपना लोग राइट शो। तो हम लोग आंसर यहाँ पे बन, बेसिकली करते क्या, हम लोग 7 से मतलब 8 से उसके लेफ्ट में जाते 7 पे, और हम लोग 7 पे आके वापस से देखते कि वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है। सो राइट, हम लोग फिर राइट में कभी नहीं सर्च करेंगे वहां से अगेन, फिर हम लोग लेफ्ट में जाएंगे, और मतलब लेफ्ट में तब तक जाएंगे जब तक हम लोग उसकी वैल्यू छोटी ना मिले, और जहां छोटी मिलेगी हम लोग वहां पे मतलब अटैच कर देंगे उसके पेरेंट्स से। तो इसी बात को जो हमने किया है उसको अपन कोड में एक बार करने का कोशिश करते हैं, कन्वर्ट किस तरीके से कन्वर्ट होता है, और एक बार उस कोड को ड्राई रन भी करेंगे। राइट, अभी तक जो भी हमने बिल्कुल बात किया उसको एक बार बिल्कुल समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें उस वैल्यू को खोजना है। राइट, अगर कोई भी नोड हम लोग को उस वैल्यू से बड़ा मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर हमें 8 मिल गया, तो वो नोड और उसके राइट में जितने भी है उससे तो हमें कोई मतलब नहीं, उसको सीधा सीधा वहां से डिलीट कर सकते हैं। फिर हमें ऑपरेशन कहाँ से बिल्कुल करना है? उसके लेफ्ट में जाना है,
और लेफ्ट में खोजना है कि कौन सा ऐसा नोड है जो कि उससे छोटा है। अगर उससे छोटा हुआ राइट उसको कनेक्ट कर देंगे, और अगर छोटा नहीं हुआ उसके बराबर ही हुआ तो उसको भी डिलीट करते चलेंगे राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी बात को अगर हम लोग देखें इस कोड से, तो सबसे पहले आ जाते ये तो बेस कंडीशन है, इफ नॉट इक्वल टू रूट देन रिटर्न नल राइट। बिल्कुल, और ये हमारा पहला कंडीशन है, इफ रूट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन के देन विल डू नथिंग, विल जस्ट मूव इन द राइट सॉरी लेफ्ट राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं, एक बार देखो यहाँ पर रूट का डेटा क्या है 5 अभी इनिशियली, और हमारा के का वैल्यू क्या है 7। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें उसके राइट में जाना है। बिल्कुल राइट, जो भी हमें डिलीशन करना होगा, क्योंकि देखो 5 से तो हमें बड़ा ही मिल रहा है जो भी चीज ना, तो रूट का राइट जो भी होगा उसमें हम अटैच करेंगे पहुंच जाएंगे आफ्टर डिलीटिंग। सो बेसिकली शुभ यहाँ पे हम लोग डिलीट नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग अटैच कर रहे हैं नोड्स को राइट। तो ये अपना वही पॉइंट है जहाँ पे हम लोग अटैचिंग का मतलब बात कर रहे हैं। हमने बात किया था ना कि उसके पेरेंट्स से अटैच करना है, तो देखो ये रूट तो यहाँ पर रहेगा, इसको तो कोई हटा नहीं सकता। बिल्कुल, इसके राइट सबट्री में हमें चेक करना है कि हो सकता है कुछ आपस में अंदरूनी चेंज हो नोड्स वगैरह सिस्टम वगैरह राइट। बिल्कुल, तो इसके लिए हम इसके कॉल करेंगे रूट के राइट में, और ये फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर देंगे डिलीट नोड राइट पे। अब आ गया हमारा नोड कहाँ पर 8 पे राइट प्रशांत। बिल्कुल का राइट क्या है तो 8 पे हम लोग अपने पहले कंडीशन में जाएंगे, और वहां पे हम लोग को मिलेगा कि यहाँ पे हम लोग को डिलीशन परफॉर्म करना है। सो इन दिस केस हम लोग उसके लेफ्ट चाइल्ड को पास करेंगे राइट, क्योंकि इस नोड को अब हमें रखना नहीं है। अगर इस नोड को रखना होता तो हम सीधा सीधा रखते और इसके राइट में सर्च करते राइट। तो इस नोड को ही नहीं रखना है तो इसके राइट वाले को तो रखना ही नहीं है। अब हमें क्या चीज सर्च करना है कि इसके लेफ्ट में किसी को रखना है क्या राइट। राइट, तो अब इसके लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट पे कॉल करेंगे अगेन, ये हमें 7 मिला। 7 भी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू में इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड अगर शुभ इस केस में अगर 6 नहीं होता तो जब हम लोग रूट्स लेफ्ट पास कर रहे होते हैं यहाँ पे, सो 7 का लेफ्ट यहाँ पे क्या होगा नल। नल, सो अपना बेस कंडीशन हिट करेगा। इन दैट केस जो रूट का राइट लाइन नंबर 112 वो वहां पे नल अटैच होगा, जो जो पेरेंट ने कॉल किया था, पेरेंट ने कॉल किया था रूट के राइट। बिल्कुल राइट, बिल्कुल वहां पर हो जाएगा असाइन हो जाएगा नल राइट प्रशांत। बिल्कुल, और यहाँ पर इन दिस केस 6 अटैच होगा, ये तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा राइट। यहाँ पर हम 7 पे क्या देखे, अगेन 7 क्या है इससे तो बड़ा ही है, बड़ा और सॉरी बराबर ही है, तो इसके राइट में जो भी है वो तो इससे बड़ा ही होगा गारंटी है। इसके लेफ्ट में अपन सर्च करेंगे कि क्या इससे छोटा है, इसके लेफ्ट पे क्या गया, तो ये तो हमें छोटा मिल गया ठीक है। तो हम लोग इसी नोड को रिटर्न करेंगे राइट, इस नोड को रिटर्न नहीं करेंगे, अगेन इसको पास करेंगे रूट के राइट को, इसका राइट को। बिल्कुल, क्योंकि ये नोड से बड़ा है 7 अपना, तो अगेन यहाँ पर तो नल आ गया, रिटर्न हो जाएंगे। और यहाँ पर से देखो हमने सीधा सीधा डिलीट नोड किया था, इधर हमने कुछ असाइन किया नहीं था, यहाँ से रिटर्न होगा क्या 6 नोड, यहाँ पर से क्या होगा रिटर्न 6 नोड, और यहाँ पर जो 5 के राइट को अपन असाइन किए थे, यहाँ पर 5 के रूट के राइट पे अपन ने कॉल किया था, वहां पर जाके लग जाएगा ये 6, और ये आ जाएगा अपना अपडेटेड BST जो कि दिखेगा कुछ इस तरह बिल्कुल राइट। सो दैट्स इट, दैट्स द कोड, मुझे उम्मीद आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये इजी तो कभी नहीं था, मीडियम लेवल का कोड था, क्वेश्चन था, हालांकि कोड बहुत आसान है पर सोचना थोड़ा सा टफ होता है अगर रिकर्शन आपका अच्छा ना हो तो। सो दैट्स इट, अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस कैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहे होंगे, आप वहां पर से जुड़ के हमसे फॉलो कर सकते हैं, हमसे डाउट पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल पे सारे प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के अपडेट भी आते हैं, तो मेक श्योर टू हेल्प हिट द नोटिफिकेशन बटन ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। दैट्स इट, थैंक यू।